Hello students, how are you? Today I'm back with my next video for class 5th of the book Buzzword. Today I'm going to teach you chapter number 5 of this book. So I request you all to take out chapter number 5 from this book, which is on page number 60. Now I'm going to start to read the lesson and just explain it to you. This is an excerpt from a travelogue in which the speaker describes her experiences of traveling around India on different trains. One of the trains that she boarded is the Maharaja Express. It stops at Ranthambore in Rajasthan for a short conducted trip to the Ranthambore National Park, a re-owned tiger reserve. Read on to find out about her experience there. तो ये एक ट्रैवलॉग में से एक एक्सर्प्ट लिया गया है, मतलब कि एक कहानी सी ली गई है जिसमें जो इसकी ऑथर है वो अपने एक्सपीरियंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को, यानी कि यात्रा करने के अनुभव को हमारे साथ वो शेयर करती है। वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाती है इंडिया के, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेन से ट्रैवल करती हैं, और एक ऐसी ही ट्रेन है महाराजा एक्सप्रेस जो जिसमें उन्होंने ट्रैवल किया। वो रणथंभौर में रुकती है राजस्थान में, और एक छोटी सी ट्रिप कंडक्ट करती है वहाँ पे नेशनल पार्क जो है टाइगर रिजर्व के लिए है उसका, वो पूरा चक घुमाती है लोगों को, टूरिस्ट को, और वहाँ के बारे में जानकारी भी प्रदान करते हैं। द महाराजा स्टॉप्ड एट रणथंभौर एट डॉन। एज आई जम्प्ड डाउन फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स विद द अदर पैसेंजर द कोल्ड एयर हिट माई फेस। देर वॉज अ मिस्ट अराउंड द कैरेजेस एंड When we spoke, our breath came out in puffs of smoke. अब महाराजा ट्रेन एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो रणथंभौर में रुकी शाम के समय में। जैसे ही वो ट्रेन से उतरी नीचे दूसरे पैसेंजर्स के साथ, तो उनकी ठंडी हवा ने उनके फेस पे स्ट्राइक किया, और जो थी उन वहाँ पे जो थी काफ़ी ठंड है। जैसे कि आप जानते हो राजस्थान में दिन के समय में काफ़ी गर्मी रहती है और रात का समय काफ़ी ठंडा हो जाता है, तो इतनी ठंड हो गई थी कि उनके मुँह से धुआं भी निकल रहा था। Three jeeps waited for us nearby. Our driver Raju handed rough blanket to us as we scrambled into his jeep. Then we rode off to Ranthambore National Park. तो तीन जीप्स थी जो वो पास में ही जो थे उनके इंतज़ार कर रहे थे, साथ ही साथ उनका ड्राइवर जो है राजू, उन्होंने उसे उन्हें कंबल दिए ताकि वो ओढ़ के लपेट के जीप में बैठ जाएं, और फिर वो लोग रणथंभौर नेशनल पार्क के लिए निकल पड़े थे। After 2 hours, the sun had climbed high enough to make us feel warm. We were admiring two beautiful Kyosi kingfisher with orange bibs, with a yelp echoed in the silence of the forest. अब जो है 2 घंटे करीबन बीत चुके थे और सन जो था, मतलब सूरज जो था, निकल चुका था, ताकि अब उन्हें थोड़ी सी गर्मी भी लगने लगी थी। साथ ही साथ वो ब्लूइश कलर का, जो ग्रीनिश ब्लू कलर होता है उस तरीके का किंग फिशर उन्होंने देखा, फिर ऑरेंज बेब्स देखे, एक बर्ड होती है जिसके गले पे कुछ मार्क्स होते हैं, और एक येल्प भी देखा जहाँ पे एक छोटी, मतलब ऐसा लग, येल्प जो है सुनाई दिया, एक अलार्म टाइप में होता है। आवर गाइड हेल्ड अप अ हैंड एंड टैप्ड राजू ऑन हिज शोल्डर टू स्टॉप द जीप। एक उनका जो गाइड था, गाइड वो होता है जो हमें रास्ते के बारे में या जहाँ पे भी हम जा रहे, सपोजिंग हम अगर लाल किला घूमने जाते हैं तो वहाँ पे हमें गाइड्स मिलते हैं जो वहाँ के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं अगर हम वहाँ पे नए हैं तो। अगर हम ऑलरेडी जानते हैं तो हम गाइड नहीं हायर नहीं करते हैं। तो इन लोगों ने गाइड हायर किया था क्योंकि ये रणथंभौर नेशनल पार्क पहली बार जा रहे थे। तो उस गाइड ने राजू के कंधे पर थोड़ा सा टैप किया और उसे कहा कि जीप रोकने के लिए इशारा किया। दिस इज़ अ वार्निंग कॉल फ्रॉम अ डियर, दिस मीन्स शी हैज सेंस अ टाइगर, ही सेज। तो अब ये जो था एक वार्निंग कॉल था, क्यों, मतलब उसे ये लग रहा था कि पास में ही कोई शेर है। राजू ड्रोव द जीप ओवर द बम्प्स इन द ट्रैक एंड अप द हिल्स, स्टार्टल्ड बाय द साउंड टू सांबर डियर जम्प्ड अवे फ्रॉम द रोड। अब राजू ने जो है थोड़ा सा ट्रैक वगैरह से साइड में हट के थोड़ा हिल पे से ड्राइव करते हुए जो है साइड में हुआ, तो 2 सांबर हिल्स डियर्स थे, जो एक एक प्रजाति होती है डियर की, काफ़ी बड़ी सी हिरन होते हैं इसमें, और वो रोड के साइड में से जंप करके चले गए।
We saw another jeep in front of us, its passengers standing on seats. तो उन्होंने एक दूसरी जीप भी देखी, उनके सामने ही खड़ी थी और उसके पैसेंजर जो थे सीट पे खड़े हुए थे. Everyone was looking at the moment in the trees where a tiger was walking away stealthily, flicking his tail. He was camouflaged by the long grass. अब वो लोग जो थे वहाँ पे ट्रीज के बीच में, जो एक टाइगर बड़े ही चोरी छुपे से चल रहा था और अपनी पूंछ हिलाता हुआ चल रहा था, उसे देख रहे थे. ही वॉज कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि मतलब अपने आप को उसने वहाँ पे लंबी लंबी घास के बीच में छुपा लिया था, उसके जैसा सर अपने आप को कर लिया था. राजू ड्रोव द जीप अप एंड अराउंड द बेंड टू द अदर साइड सो दैट वी कुड गेट अ बेटर व्यू. राजू ने अपनी जीप जो थी दूसरी तरफ को चला ली और साथ ही साथ जो है एक बेटर व्यू पाने के लिए ऐसी जगह जीप रोकी जहाँ से उन्हें एक अच्छा नज़ारा दिख सकता था. Just as we turned around the corner, the tiger appeared on the track and paused, turning to look directly at us. अब जैसे ही उन लोगों ने टर्न किया तो वो टाइगर जो था वो उनके ट्रैक पे आ गया और रुक गया और उनकी तरफ घूर के देखने लगा. Then he calmly leaped onto the road and walked around the back of the jeep and into the trees. फिर वो धीरे से शांति से जो है ट्रीज की तरफ, उनके पीछे से होता हुआ ट्रीज की तरफ चला गया. वी स्पेड डाउन हिल इन टू द क्लियरिंग बट देन राजू ब्रेक्ड शार्पली. फिर वो जो है उन्होंने थोड़ा सा स्पीड अप किया और वो जो है वहाँ से निकलते हुए एक स्पेस होती है जंगल में जहाँ पे वो गाड़ी रोक सकते थे, वहाँ पे उन लोगों ने गाड़ी जाके और तुरंत ही राजू ने वहाँ ब्रेक लगा ली. लेस देन 20 मीटर्स अवे वॉज द सेम टाइगर. His head was lowered and paws were raised. He had spotted something. ठीक 20 मीटर की दूरी पे वही टाइगर जो था उसने अपना सर नीचे कर रखा था और पॉज जो थे उसने उठा रखे थे. ऐसा लग रहा था कि मानो उसे कुछ मिल गया हो. Following his gaze, we saw that hidden in the tree was another tiger. अब उस टाइगर का पीछा करते हुए उन लोगों ने देखा कि उन्हीं पेड़ों के बीच में जो है एक दूसरा टाइगर भी छुपा हुआ है. द गाइड टोल्ड अस दैट दिस टाइग्रेस नेम्ड मछली. मछली वॉज नोन एज द क्वीन ऑफ द जंगल. शी वॉज 15 ईयर्स ओल्ड एंड वॉज प्राइड ऑफ रणथंबोर. शी वॉज स्टिल वॉचिंग हिम, हर टेल कर्विंग डेंजरसली. अब वो गाइड ने उसे बताया कि वो जो छुपा हुआ है वो शेर नहीं, वो शेरनी है जिसका नाम है मछली. मछली जो है क्वीन थी जंगल की और रणथंबोर का एक गर्व था, मतलब कि प्राइड थी. और वो अभी भी उसे देख रहे थे, वो अपनी पूंछ बड़े ही खतरनाक तरीके से हिला रही थी. तो आगे क्या हुआ होगा उन दो टाइगर्स के बीच में, क्या लड़े होंगे, क्या हुआ होगा, ये हम जानेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम. Do the word meanings and draw any of the pictures from this lesson in your notebook. Bye for now.